नमस्कार दोस्तों, मैं संचित शर्मा मेक माई क्लिक से आप लोगों का दोबारा स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल। तो आज आप हमारे लास्ट वीडियो के रिकमेंडेशन के बाद हमें बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन रेज करे कि सर आपका प्रोसेस अच्छा है, आप बहुत अच्छा सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, बट ये बहुत लेंथी वीडियो आपने बना दी है, क्या आप स्टेप बाय स्टेप अलग अलग इन सबको एक्सप्लेन कर पाएंगे? तो इन्हीं सब रिकमेंडेशंस को मद्देनज़र रखते हुए हम आपके लिए लेके आए हैं एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ DTF प्रिंटिंग, जो कि होता है कि आपने प्रिंट की क्योरिंग कैसे करते हैं और कैसे एक परफेक्ट क्योरिंग होती है और क्योरिंग का मतलब क्या होता है। तो बेसिकली क्योरिंग कुछ नहीं है, एक फैंसी वर्ड है किसी चीज़ के लिए जो कि आपके प्रिंट को किसी एक मटेरियल के ऊपर स्टिक करने की हेल्प करती है। तो जैसे कि आप जानते हैं, जैसे कि हमने ये डिज़ाइन प्रिंट करके रखा हुआ है रेडी, अभी इसको हम क्योरिंग करने वाले हैं। तो क्योरिंग बेसिकली क्या होता है, जैसे अभी आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा प्रिंट निकला है ये पूरा वेट है, इसके ऊपर अभी कहीं से भी कोई भी क्योरिंग या मेल्ट पाउडर अटैच नहीं किया गया है। देखिए हर जगह से ये वेट वेट है, देखिए कहीं ना कहीं ये छोटे मोटे स्पॉट भी लग जाते हैं जब आपके कहीं इधर टच हो जाए, ठीक है। तो ये वेट पेंट क्या है, अब आपको इसका क्या करना है, बेसिकली बस हमारा जो हॉट मेल्ट पाउडर TPO पाउडर आपको प्रोवाइड करा जाता है उसके अंदर से पास कराना है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप इसको पास कराते हैं। ये आपको एक बेसिकली ये हमारा हॉट मेल्ट TPO पाउडर रहेगा, ये हमारे पास जो होता है यूरोपियन क्वालिटी का हॉट मेल्ट पाउडर रहता है। मार्केट में आपको बहुत सारे तरीके के हॉट मेल्ट पाउडर आएंगे, लेकिन हर पाउडर के अंदर जो आप कंपैरिजन करने के जो पॉइंट्स होते हैं कि वो कितना बारीक है, कितनी जल्दी मेल्ट हो रहा है और कितनी अच्छी क्वालिटी के जब आप हीट ट्रांसफ़र करते हैं अपने फाइनल आउटपुट को कि कितना सॉफ्ट फील देता है वो, तो ये सारे पॉइंट्स आपको अपनी हॉट मेल्ट पाउडर के बारे में कंपेयर करना है। मार्केट में आपको बहुत सारे रेट्स मिलेंगे, तो ये सब कुछ आप प्लीज़ एक बार सर्च ज़रूर कर लीजिए। तो जैसे कि आप देखेंगे ये प्रिंट है, अभी वेट है, अब इसको हम क्योरिंग यूनिट के अंदर ऐसे लेके जाएंगे। कुछ नहीं करना है आपने, बस बेसिक एक हल्का सा ये पाउडर लिया और इसके अंदर से ऐसे शेक करा के निकाल देना है। एक बार ऐसे पास कर देंगे आप, ये जितना भी वेट पेंट होगा आपको इसके ऊपर स्टिक कर जाएगा। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, जो एक्सेस होगा, एक्सेस ऑफ पाउडर, उसको ऐसे आप स्पॉट मार मार के यूँ वेस्ट निकाल लेंगे आपकी। इसी के अंदर आप वापस ऐसे निकाल सकते हैं, ये देख रहे हैं। इससे क्या रहेगा, आपके जो प्रिंट के पीछे ना कोई एक्सेस ऑफ पाउडर रहेगा जिससे कहीं ना कहीं हार्ड फील आए या बेकार हो जाए आपकी क्योरिंग, इनकंसिस्टेंट क्योरिंग हो, ठीक है। ये देखिए अब आप देख सकते हैं कि कैसे हर जगह इवनली पाउडर लग चुका है, देख सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग इसको अपने क्योरिंग यूनिट, जैसे कि अवन होगा आप लोगों के पास या फिर आप हमारी तरह ये अपनी 3D वैक्यूम मशीन को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपके घर पे अवन, माइक्रोवेव, बहुत सारे ऐसे होम अप्लाइंसेस मिल जाएंगे, या आप जो भी ऐसे क्योरिंग यूनिट की तरह इसको यूज़ करना चाहेंगे, आप इसको टेम्परेचर सेट करेंगे 125 टू 130 डिग्री ऑफ सेल्सियस एंड 1 मिनट टू 1.5 मिनट्स के लिए आप इसको क्योरिंग करेंगे। ये एक आइडियल आपको कंपनी स्टैंडर्ड्स के या मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से मैं आपको सारी यूनिट्स बता रहा हूँ। इसमें आप अपने हिसाब से जैसे जैसे आप कंपैटिबल रहेंगे आप धीरे धीरे काम करना शुरू करेंगे। हो सकता है किसी की ओवन ज़्यादा टेम्परेचर के कॉइल्स पे हीट करता हो, तो ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से धीरे धीरे जब आप करेंगे तो आप एडजस्ट कर सकते हैं। आप देखिए जैसे हमने ऑलरेडी थोड़ा हीट करके रखा हुआ था, 91 पे हमारी मशीन पहुँची हुई है। एक बार ये अपने प्रिस्क्राइब टेम्परेचर पहुँच जाए फिर हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इसको क्योर करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारी जो मशीन है वो अपने प्रिस्क्राइब टेम्परेचर पर पहुँच चुकी है। ये आपकी जो 1 to 1.5 मिनट्स की जो क्योरिंग है ये तब आप करिए जब आपका प्रिंट, मतलब आपकी मशीन एकदम, आपने अभी अभी इसको प्री हीट करा है और आपके पास ज़्यादा काम नहीं करा इस पर भी। जैसे जैसे ये थोड़ा ओल्ड होता रहे जाकर आप कंटिन्यूस एक दिन में काम कर रहे हैं तो फिर वो 30 seconds to 40 seconds के बीच में भी आपकी क्योरिंग एफिशिएंट हो जाती है। अभी जो हमारा प्रिंट हमने निकाल के रखा था इसको हम अपने क्योरिंग यूनिट के अंदर ऐसे रख देंगे। हमेशा उल्टा करके रखिए ताकि प्रिंट ख़राब ना हो, ये रखिए और टाइमिंग स्टार्ट कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा टाइम ऑलमोस्ट यहाँ पे हो चुका है, अब
बीच में गोल के ऐसे टच देख भी सकते हैं कि आपकी क्योरिंग परफेक्ट हुई है कि नहीं। जैसे कि आप देखेंगे, ये देखिए कैसे एकदम ये शाइनी ऐसे कुछ ऐसा लग रहा है, इसका मतलब कि आपकी क्योरिंग एकदम परफेक्ट हुई है। ये कहीं भी अनइवन स्पॉट्स नहीं है, कहीं भी पाउडर ज़्यादा या कम नहीं है, सारा प्रॉपरली मेल्ट हो चुका है। और ये आप देखेंगे क्योरिंग एकदम परफेक्ट हो गई है, ठीक है। कहीं आपको लगे कि कम रह रहा है या ज़्यादा हो गया है, तो आप अपने हिसाब से टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, हर किसी की मशीन अलग है, हर कोई अलग तरीके से करता है। इस वीडियो में हम आपको एक और नई चीज़, जैसे कि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि ये आपके हमारी जो टेक्नोलॉजी है ये आपको लेदर के ऊपर भी ट्रांसफ़र करेगी। हमने एक छोटा ये ओरिजिनल लेदर, ये कावल लेदर का एक पीस अब आप लोगों के एग्जांपल के लिए हमने निकाल के रखा है। अब हम आपको इसके ऊपर हीट ट्रांसफ़र करके दिखाएंगे हमारे DTF का प्रिंट। ये अभी हमने जैसे ये क्योरिंग करके रखा था, अब इसको हम कट कर लेंगे छोटा सा एक बीच में। ये जब सब कुछ बस एक एग्जांपल के लिए है, आप अपना डिज़ाइन अपनी फाइल अपने प्रॉपर इसमें बना सकते हैं, हमारे साथ आपको सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड किया जाएगा। आप इसको हम लोग ने इसको ऐसे छोटा सा कट कर लिया ताकि साइज पूरा एप्ट बैठे। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने पिछले वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन किया था कि हीट प्रेस का टेम्परेचर आप 150 डिग्री ऑफ सेल्सियस पे 20 सेकेंड के लिए रखेंगे आपके परफेक्ट ट्रांसफ़र के लिए। अगर आपको कहीं कम ज़्यादा लगे तो आप उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये वो लेदर का पीस, अभी हम इसके ऊपर आपको हीट ट्रांसफ़र करके दिखाएंगे। ये देखिए, बस आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे प्लेस करना है और आपको हीट ट्रांसफ़र कर देना है 20 सेकेंड्स के लिए। मीनवाइल हम आपको आप हमारी कंपनी के बारे में बताते हैं थोड़ा और। जैसे कि अभी हम लोग ये हीट ट्रांसफ़र मशीन्स के अंदर डील कर रहे हैं, वैसे आप हमसे सबलिमेशन और कस्टमाइजेशन के अंदर किसी भी रिक्वायरमेंट, कोई भी आपको प्रोडक्ट चाहिए हो, आप हमें पिंग कर सकते हैं। आजकल आप देखेंगे MDF की बहुत रेंज मार्केट में फ्लोट हो रही है, अलग अलग टाइप के रोटेशन फ्रेम्स हैं और आपके अलग अलग टाइप के MDF की कटआउट्स होते हैं, फ्रेम्स होते हैं, वो भी आप हमसे ऑन ऑर्डर करवा सकते हैं। रेस्ट आपके पास, हमें हमेशा आपके हमारे पास मग्स, टी शर्ट्स, कुशन कवर्स, पिल्लो, मशीन, इंक, पेपर, आप ये सब की हमसे बाइंग कर सकते हैं। देखिए, ये हमारा हीट ट्रांसफ़र होके आ गया है, इसका हम दोबारा वैसे ही ठंडा होने देंगे, थोड़ा सा इसको हल्का हल्का ऐसे प्रेस कर देंगे, हल्का ठंडा हो जाए तो मैं आपको इसको रिलीज़ करके दिखाता हूँ। ये देखिए कितना अच्छे से कलर आए हैं हमारे प्रिंट क्वालिटी के। ये देखिए, अब हम इसको वैसे यहाँ से रिलीज़ करके दिखाते हैं। बहुत ही इजी टू पील हमारा ये प्रिंट रहता है। ये देखिए कितनी आसानी से प्रिंट रिलीज़ हो रहा है, लेदर हो, क्लॉथ हो या कोई भी टेक्सटाइल की आइटम हो, DTF प्रिंटिंग आपको कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। देखिए कितना अच्छा प्रिंट, कितना अच्छा रिलीज हुआ है। ये देखिए शीट के ऊपर कहीं भी कोई भी पॉइंट मिसिंग नहीं है। वही कंफर्म करने के लिए 5 सेकेंड का एक प्रेस, ताकि आपका एक्सेसिव अगर पाउडर कहीं स्टिक हो जाए या कुछ चीज़ लग जाए तो वो भी मेल्ट हो जाएगी। 4, 3, 2, 1, ये देखिए परफेक्ट परफेक्ट आपका रिजल्ट आया है। लेदर हो, टेक्सटाइल का कोई भी फैब्रिक, बायो वॉश कॉटन, 100% कॉटन, डार्क हो या लाइट हो, पॉली कॉटन हो, मैटी हो या सिंकर मटेरियल हो, आप हर चीज़ पर डायरेक्ट प्रिंटिंग कर सकते हैं। ये डायरेक्ट टू फिल्म प्रिंटिंग आपको अवेलेबल है मेक माई क्लिक पे, डिस्क्रिप्शन पे, यहाँ पे आप नीचे नंबर देख सकते हैं, हमारे सारे कॉन्टैक्ट नंबर आपको अवेलेबल है, एड्रेस भी आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा। आपको अगर फ्री सैंपल या सैंपल्स चाहिए हो तो आप हमें
हमारे नंबर्स पे पिंग कर सकते हैं, हम आपको प्रोसीजर के लिए गाइड कर देंगे।